हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद ए के सरासवी। क्या आपको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्मेशन। गुड इवनिंग एवरीवन एंड अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। सो सभी लोग आ ही गए होंगे लाइव, काफी सारे स्टूडेंट्स लाइव आ गए हैं और बाकी जो बचे होंगे वो धीरे धीरे लाइव आ जाएंगे। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लिटरेचर लवर्स यूट्यूब में। गुड इवनिंग इंदु एंड स्वीट, गुड इवनिंग उमा कुमारी, राज यादव, आइस नाइस, नितेंद्र एंड अच्छे लाल, भारती, रोशनी, अमन, खुशबू, सोनिका, ज्योति, प्रतीक्षा, आत्मा, राम, विशु, रविकांत, राहुल यादव एंड अर्चना कुमारी, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। सब लोग बढ़िया हो ना? तो रक्षाबंधन तो मना करके मिठाई विठाई खा करके आप आ ही गए होंगे, है ना? पेट भरा या नहीं? खैर चलिए, मुझे लगा कि रक्षाबंधन में आप सभी लोग मिठाइयां खा रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूं कि चलिए बैठ करके अपनी क्लास ले लेता हूं, है ना? जरूरी होता है क्लासेस लेना और आपको रेगुलर बनाना, क्योंकि अगर जब तक मैं आपको रेगुलर नहीं बनाऊंगा तो आप लोग इधर उधर भाग ना जाओ, ये भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना? यस, हाय अर्जुन, यू आर मोस्ट वेलकम। सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरू करें आज की क्लास को। बिल्कुल, देखिए आज की शुरू करते हैं आज की क्लास, और मैंने सोचा है कि आज कुछ आपके लिए बढ़िया प्रश्न हो और अच्छे हो और बढ़िया वाले हो, ऐसा मैंने प्लान किया था, और इसी प्लान के तहत हम लोग आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल देखते हैं। वाओ, सब लोगों ने खा लिया है ना? इधर भी भेज दीजिएगा, मुझे भी बड़ा मीठा बहुत पसंद है। तो मैं सोच रहा था कि अगर आप मुझे इधर भेज देते तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन आप लोग भेजेंगे नहीं, आप लोग निकले एक नंबर के। हाँ, आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। सर, आपके गांव वाली वीडियो सो मच हार्ट टचिंग। अरे वो गाना है ना, एक फेवरेट है मेरा गाना, वक्त का ये परिंदा छिपा है का, वो वाला गाना मेरा बड़ा फेवरेट है। और खैर, अपनी देखिए दुनिया के किसी भी कॉर्नर में रहिए लेकिन जमीन से जुड़े रहिए, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा आपका भी मानना होना चाहिए। शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को बिना किसी एड ब्रेक के। तो लेकिन थोड़ा सा एड ये है गाइस कि अगर आप इन किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसवी, एनवीएस, केवीएस, यूपीएचई, एससी, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, यूजीसी नेट, जेआरएफ एग्जाम, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पेड कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। और एक ऑफर भी है इस समय आपके लिए, सभी हमारे टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड एनवीएस, केवीएस एस्पिरेंट्स के लिए ऑफर यह है कि हमारे कोर्सेज में आपको मिलने वाला है 15% का डिस्काउंट। और 15% का डिस्काउंट किस अमाउंट पर है? सो कोर्सेज के जो गाइज अमाउंट है वो 299 है, 3999 है, ये पीजीटी एलटी ग्रेड एनवीएस वाला है ये, और ये आपका टीजीटी वाला है, ठीक है? तो अगर आप लेना चाहें तो नंबर ये है हमारा, और इसी नंबर पर आप डायरेक्टली मैसेज करके जानकारी ले लीजिएगा। शिकायत मत कीजिएगा कि सर कॉल या मैसेज नहीं उठ पाया, कई बार नहीं उठ पाता है, ठीक है? चलिए शुरू करें। वाह ग्रेट, अरे एड्रेस बता दीजिए, भेज दें। थैंक यू चित्रा, मतलब आपने कह दिया तो मतलब आपने भेज दिया। क्वेश्चन आपके शुरू हो रहे हैं, जरूर मैं भी चाहूंगा कि आप जरूर मुझसे मिलें और एक बार हमारी आपकी मुलाकात हो, सामने सामने वाली मुलाकात। एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं, आइए। हु वॉज लीडिंग द आर्मी दैट लैंड्स एट जॉवर इन द प्ले किंग लियर? इट्स एल्बनी यानी ड्यूक ऑफ एल्बनी, या अर्ल ऑफ केंट, कॉर्डेलिया और लियर। कौन था जो लीड कर रहा था आर्मी को गाइस, जो डॉवर बीच पर लैंड करती है? आंसर कीजिए फटाफट बिना किसी एड ब्रेक के, आपका आंसर आ जाना चाहिए। वाओ ग्रेट, हाँ इन दीदी, मैं तो शौक नहीं, अच्छा बचपन में, क्या बात है। अच्छा, जॉब लगने के बाद मिलेंगे। देखिए मैं तो चाहता हूं कि आप जॉब लगे ना लगे लेकिन जरूर मिलिए, मिल जाइए कभी, तो थोड़ी बातें होती हैं। लेकिन मैं मीटअप रखने के मूड में हूं, सोच रहा हूं कि इलाहाबाद में अपने स्टूडेंट्स की मीटअप रखूं और यहाँ पर ही सारे बच्चों को इनवाइट करूं, जो जो आना चाहे घूम जाए एक बार, सामने सामने की मुलाकात। इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा गाइज कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया इज द राइट वन आंसर, है ना? यस, हु वॉज लीडिंग द आर्मी दैट लैंड्स एट डॉवर इन द प्ले किंग लियर?
किंग लियर प्ले के बारे में तो आपने सुना होगा। किंग लियर एक ऐसा प्ले है जिसको जो विलियम शेक्सपियर की इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज में से एक माना जाता है, अगर आप कहें तो HOKM में से हम एक मान लेते हैं, करेक्ट। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो किंग लियर में आपको देखने को मिलता है कि यहां पर थ्री सिस्टर्स हैं, गोनरिल, रीगन और कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया ने सही सही वाली बात बोली थी किंग लियर को, तो किंग लियर को लग गया बुरा, और भैया जो सही बोलता है वो बुरा ही होता है हमेशा, है ना। सो किंग लियर को इन्होंने बैनिश कर दिया था। किसने? किंग लियर ने कॉर्डेलिया को बैनिश कर दिया था, है ना। बोले बेटा भाग निकलो यहां से, तभी तुम्हारा काम होगा। गॉट इट। अब होता क्या है कि बाद में किंग लियर को ही धक्के खाने पड़े, ना गोनरिल ने रखा और ना ही रीगन ने, दोनों ने बाहर निकाल दिया। कॉर्डेलिया को ये बात पता चली, कॉर्डेलिया तब तक फ्रांस पहुंच चुकी थी। ड्यूक के फ्रांस ने इन्हें एक्चुअली में ड्यूक जो फ्रांस के जो ड्यूक थे उन्होंने इन्हें रखा था। तो फिर वहां से जब इन्हें पता चलता अपने फादर के लिए आती है विद आर्मी, सो जो डॉवर पर लैंड करती है। डॉवर एक प्लेस का नाम है ना, डॉवर इज द नेम ऑफ द प्लेस। डॉवर इज द नेम ऑफ प्लेस। प्लेस मतलब ये एक डॉवर बीच पड़ता है जो फ्रांस और इंग्लैंड दोनों को अलग करता है, ठीक है। डॉवर बीच पोयम भी है मैथ्यू अर्नोल्ड की। तो ये जो लीड कर रहा था तो कौन था? कॉर्डेलिया लीड कर रही थी गाइस, है ना, कॉर्डेलिया लीड कर रही थी। बाद में कॉर्डेलिया को मार डाला गया था, ये तो बात आपको पता ही होगा, बिकॉज ये ट्रेजेडी है तो ट्रेजेडी में ऐसी चीजें नजर आती है। इन वॉट सिटी डज अ मिड समर नाइट्स ड्रीम टेक प्लेस? ये लंदन है, वेनिस है, रोम है, एथेंस है, कौन सी ऐसी सिटी है जहां पर मिड समर नाइट्स ड्रीम? हरी अप करके आंसर कर डालिए भाई, आप लोग तो बड़े दमदार आदमी हैं, आप आंसर भी कर देंगे। या देखिए महजबीन फातिमा ने लिख दिया, वाह महजबीन आप मतलब रॉक करती हैं ऑलवेज। खैर देखिए, जानकारी हमेशा अपनी जानकारी से थोड़ा आगे अगर आप एक शेयर करते हैं सो दैट्स रियली ग्रेट, है ना। इन व्हाट सिटी डज अ मिड समर नाइट्स ड्रीम टेक प्लेस? कौन सी वो सिटी है जहां पर आपको मिड समर नाइट्स ड्रीम की सेटिंग मिलने वाली है बेसिकली? वाओ, आप आंसर जब करते हैं तो लग जाता है कई बार। देखिए ऊपर टाइमर चल रहा है मेरे कॉर्नर में, है ना, मैं सबके कमेंट्स देख रहा हूं बेटा दीपाली, सबके कमेंट्स दिखते हैं लेकिन कई बार फास्ट आते हैं। मैं लास्ट में आपसे बातचीत कर लूंगा, ठीक है। राइट वन आंसर, मिड समर नाइट्स ड्रीम टेक्स प्लेस। तो देखिए आंसर आता है इसका डी, एथेंस में, है ना। यस, मिड समर नाइट्स ड्रीम का जो राइट आंसर है वो है एथेंस। मिड समर नाइट्स ड्रीम अगर आप देखें तो आप देखते हैं कि एथेंस में इसकी सेटिंग नजर आती है जहां पर ड्यूक थीसियस और उनकी जो क्वीन थी क्वीन हिप्पोलिटा, ये दोनों की शादी की तैयारियां चल रही थी, है ना, दोनों के शादी की तैयारियां चल रही थी। तो वो चीज आपको देखने को मिलती है एथेंस में, इसकी सेटिंग नजर आती है। बाद में सेटिंग थोड़ी थोड़ी चेंज होती है, प्लेसेस में चेंज हो जाती है, लेकिन एथेंस गाइज, है ना। एंड अ वुड नियर बाई, करेक्ट विशु, यू आर राइट, बिल्कुल गाइज, है ना। सो दिस इज द राइट वन आंसर। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, एथेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, When did William Wordsworth marry Mary Hutchinson? When did William Wordsworth marry Mary Hutchinson? 1798, 1804, 1802, 1800. कब इन्होंने, है ना, When did William Wordsworth marry Mary Hutchinson? जल्दी से आंसर कर दीजिए प्लीज, कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने मैरी हचिनसन से शादी कब की थी? बिल्कुल राइट आंसर, दौड़ते चलो और भागते चलो। राहुल 04, कोई सी कर रहा है, कोई सेकेंड, कोई थर्ड। खैर देखिए ऐसा हमेशा होता आया है, अपने मन का आंसर देना चाहिए, जो हमें पता है, जो हम जानते हैं हम वही आंसर करेंगे, है ना। बिल्कुल, जो हम जानते हैं और जो हमें पता है वही आंसर होना चाहिए। राइट आंसर है देखिए इसके लिए 1802 इज द राइट आंसर। वैसे अगर देखा जाए तो विलियम वर्ड्सवर्थ और मैरी हचिंसन दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड थे, है ना, चाइल्डहुड फ्रेंड। तो आप बोल सकते हैं, यहां पर एक गाना गा सकते हैं अगर आपकी इच्छा करे सो गा लीजिए गाना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, कि भूलेंगे? बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सो मैरी हचिंसन, बाय द वे वर्ड्सवर्थ की एक बिलविड भी थी जिनका नाम था एनिटी वॉलन, है ना।
एनिटी वॉलिन इनका नाम था, लेकिन शादी इन्होंने मैरी हचिनसन से की थी, उसकी कुछ परिस्थितियां थी, मैंने वर्ड्सवर्थ वाले चैप्टर में आप सभी को बताया था गाइस। या आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम फ्रांस, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। हाँ बिल्कुल, हाँ बचपन का प्यार भाई था तो उसमें क्या है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। ये जो स्लाइड है मैंने वर्ड्सवर्थ की इंफॉर्मेशन के लिए आपके लिए डाला है, ठीक है। जैसे देखिए वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है ना, इन्हें पोएट ऑफ चाइल्डहुड भी कहा जाता है, क्योंकि एक इमोर्टेलिटी ओड करके इन्होंने वर्क लिखा है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए सारे बच्चे, कर ले, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। पोएट ऑफ चाइल्डहुड इसीलिए कहा गया, इमोर्टेलिटी ओड लिखा था ना इन्होंने, है ना। यस, देन लेक पोएट तो कहा ही जाता है, लेक स्कूल ऑफ पोएट, जिनमें वर्ड्सवर्थ, शदे एंड कॉलरिज को शामिल किया जाता है। रोमांटिक मूवमेंट के पाइनियर भी कहे जाते हैं, क्योंकि लिरिकल बैलेट के पब्लिकेशन के साथ ही आपको पता होगा कि सब कुछ शुरू हुआ था। और विलियम वर्ड्सवर्थ बिलीवर थे पैंथिज्म पर। पैंथिज्म क्या होता है कि नेचर में गॉड की एग्जिस्टेंस को देखना, तो ये पैंथिज्म के बिलीवर भी थे। कुछ लाइंस यहां पर लिखी हुई हैं, ये लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम का पार्ट हो सकती है, इसीलिए यहां पर रखा गया है। जैसे एट ऑल वंस आई सा अ क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल, डेफोडिल वाली पोएम जो है ना, नेचर नेवर डिड ब्रिटे द हार्ट दैट लव्ड हर। ये मैं चाहूंगा कि आप एक एक लाइन को सर्च भी कर ले कि किस पोएम से ये लाइन्स है, इससे आपको और भी हेल्प मिल जाएगी। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बड़ा फेमस इनका कोट है। आर बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मतलब समझ लीजिए ये कोटेशन है जो विलियम वर्ड्सवर्थ में आपको याद ही याद रखना है। लेट नेचर बी योर टीचर, क्योंकि देखिए नेचर इनके लिए गाइड, गार्जियन, मदर, सब कुछ है ना, गाइड, गार्जियन, मदर, एवरीथिंग। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, वर्ड्सवर्थ का मानना था कि देखिए हर एक पोएट जो कुछ भी हमें सिखाता है और टीचर है। देखिए टीचर कौन होता है, तो टीचर वही होता है ना जो हमें कुछ सिखा दे, है ना, जो टीचर वही होता है ना जो हमको सिखा दे, दैट इज अ टीचर एक्चुअली, है ना। अभी एक कुछ लाइंस भी आई थी, मुझे किसी ने शेयर किया था बड़ीज, मैं चाहूंगा कि वो लाइंस थोड़ा पढ़ दूं, मित्र के लिए थी और बड़ी अच्छी लाइंस थी। बाय द वे मैं थोड़ा टाइम ज्यादा लिया करता हूं पढ़ाने में, जिसे वेस्ट ऑफ टाइम हमारे बच्चे कहते हैं, लेकिन कभी कभार मुझे झेल लिया करिए आप लोग, बर्दाश्त कर लिया करिए, क्योंकि बर्दाश्त करने की आदत आपको डालनी होगी। तो किसी ने मुझे भेजा था ये लाइन्स, अभी याद नहीं कि किसने भेजा था, लेकिन बड़ी अच्छी लाइन्स है, बड़ी लाइन्स है आपकी, मैथिली शरण गुप्त जी की है और मित्रता को लेकर के है। तृप्त हृदय को सरस स्नेह से, जो सहला दे मित्र वही है। तृप्त हृदय को सरस स्नेह से, जो सहला दे मित्र वही है। रूखे मन को सराबोर कर, जो नहला दे मित्र वही है। प्रिय वियोग संतृप्त चित्त को, जो बहला दे मित्र वही है। अश्रु बूंद की एक झलक से, जो दहला दे मित्र वही है। बहुत ही अच्छी लाइन से बाय द वे ये, और कई लोगों को तो बुरा लगेगा कि गुरु जी इंग्लिश लिटरेचर में हिंदी लिटरेचर मिक्स कर दिया। मैंने मित्रता की परिभाषा बताई है कि क्या होता है मित्र। खैर ये क्यों बताया मैंने, गाइड, गार्जियन, मदर, फ्रेंड, सब कुछ विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए लगभग नेचर ही सब कुछ है। और ये स्लाइड आपने स्क्रीनशॉट कर ली होगी, आई होप सो। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, और आगे अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्लियर है ना सभी को, हाँ थोड़ा झेल लिया होगा आपने, झेलने के बाद कुछ लोग कह रहे होंगे कि गुरु जी बस यही सब मत छोड़ा कीजिए, बीच में मजा नहीं आता, लेकिन ये इसलिए होता है थोड़ा माइंड रिफ्रेशमेंट। आइए, व्हाट आर वर्ड्सवर्थ विशेस फॉर हिज सिस्टर डोरोथी इन टिंटर ने भी, राइट आंसर कीजिए जल्दी से। बिल्कुल ऑलवेज प्रैक्टिकल नॉलेज, यस प्रियंका वर्मा यू आर राइट। चलिए इसका आंसर कीजिए फटाफट, व्हाट आर वर्ड्सवर्थ विशेस फॉर हिज सिस्टर डोरोथी इन टिंटर ने भी। सी विल मैरी अ रिच मैन, सी विल अप्रिसिएट नेचर मोर देन सी ऑलरेडी डज, सी विल रिमेंबर देयर टाइम टुगेदर एट टिंटर ने भी, सी विल हैव चिल्ड्रन सो ही कैन बी एन अंकल। सो कौन सा ऐसा यू नो गाइज उद्देश्य था, जल्दी से आंसर कीजिए। आइए जल्दी से आंसर करते हैं बच्चा पार्टी, फटाफट लग जाओ भाई, बिल्कुल बड़ा जरूरी है आपके लिए ये, इसलिए बड़ा जरूरी है कि जब तक आप ये सारी जरूरी चीजें नहीं जानोगे तब तक मजा नहीं आएगा।
गाइज इसका राइट आंसर ये है कि सी विल अप्रिसिएट नेचर मोर देन सी ऑलरेडी टच, दिस इज द राइट आंसर. बहुत सारे लोगों ने सी आंसर किया है, लेकिन वर्ड्सवर्थ का ये ऐसा कुछ नहीं था कि वो याद रखेंगे कि हम लोग टिंटर ने भी विजिट किए थे. नहीं, और ये टिंटर ने भी के बारे में तो जानते ही हैं. लिरिकल बैलेट की लास्ट पोयम हम लोग बोलते हैं ना, लास्ट वाली पोयम लिरिकल बैलेट की. और विलियम वर्ड्सवर्थ का जो उद्देश्य था वो था सी विल एप्रिसिएट नेचर, यानी नेचर को एप्रिसिएट करे, मोर देन सी ऑलरेडी टच, मोर देन सी ऑलरेडी टच. ठीक है, दिस इज द राइट वन आंसर. बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया है, लेकिन अपने आप में आप करेक्शन कर लीजिए और आप आंसर समझ ही गए होंगे. विच पोयम डिड परसी बेशी श्याली राइट वेन ही हर्ड अबाउट पीटर लूमसैकर. पीवी शैली ने एक पोयम लिखी है, अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो अगर आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाली मेरी क्लास देखी होगी तो आंसर आप ही कर लेंगे. और अगर नहीं देखी है सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाई AKS राजवी, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पूरे 6 घंटा 6.5 घंटे का वीडियो है, पूरा देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा. या राइट वन आंसर, बिल्कुल बढ़िया. राइट आंसर कौन सा होगा? यस, चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है. राइट आंसर है द मास्क ऑफ अनार्की. ये 1819 के टाइम पीरियड में पोयम आई थी द मास्क ऑफ अनार्की, और जो पीटर लुमसैकर हुआ था उसी का ये रिएक्शन थी ये वाली पोयम पीवी शैली की. जैसे किसी ने फ्रेंच रेवोल्यूशन पर रिएक्शन दिया, किसी ने वाटरलू पर अपना रिएक्शन दिया, तो शैली ने पीटरलू पर अपना रिएक्शन दिया. एंड दिस इज द पोयम द मास्क ऑफ अनार्की, 1819 की पोयम है. और 1819 को वैसे भी हम बहुत अच्छे से याद रखते हैं, आप जानते होंगे ना, 1819 को हम बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं क्योंकि कीट्स की जिंदगी का ये गोल्डन ईयर था, है ना, मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर इन कीट्स लाइफ. How did Shelley's career at Oxford University end? He graduated with top honors. He left right before graduation to get married. He was expelled. He stayed on as a professor until he died. Hurry up करके answer कर दीजिए. The Mask of Anarchy, Prometheus Unbound, yeah. Ode to the West Wind. These work contain Peter Lumasapo. बिल्कुल विशु. राइट वन आंसर, वाओ ग्रेट, आंसर कीजिए. यस, वैसे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर जो किया बिल्कुल सही आंसर आ रहा है. राइट आंसर इज ही वाज एक्सपेल्ड, है ना, ही वाज एक्सपेल्ड. ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम वेयर? ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड. ये बात तो आपको याद ही होगा कि उन्हें ऑक्सफोर्ड से मतलब एक्सपेल्ड कर दिया गया था. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक वर्क लिखा था ना, नेसेसिटी ऑफ एथिक्स, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, और इसी वजह से इनको एक्सपेल्ड कर दिया गया था. एक ऊपर पॉइंट है गेट मैरिड गाइस, तो आपको पता होना चाहिए कि जब 1811 के टाइम पीरियड में यहां से एक्सपेल्ड किए गए और बाद में इन्होंने शादी भी कर लिया था, ये बात तो याद ही होगा ना. बाद में इन्होंने फटाफट शादी भी कर ली थी, लेकिन शादी ऐसे नहीं की थी, शादी भगा करके की थी. इनके लिए तो आप ये कह दीजिए कि वो जो गाना था ना एक गोविंदा का पुराना वाला, मैं तुझको भगा लाया हूं, वो वाला गाना अगर आपको याद हो तो. क्योंकि इन्होंने, इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी जिनका नाम था, क्या नाम था गाइस, दिमाग में नहीं आ रहा है. दूसरी वाइफ तो मैरी हचिंसन हो गई, हैरियट वेस्टब्रुक पहली वाइफ जो थी, तो पहली वाइफ को भी ये भगा करके ले गए थे और दूसरी वाइफ को, और दोनों वाइफ की एज 16 ईयर थी जब ये भगा ले गए थे, है ना. खैर ठीक है, इलोपमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट यू नो गाइज थिंग की जो कर लेते हैं लोग. ओजी मैंडियस इज द ग्रीक नेम फॉर विच इजिप्टियन फारो? इट्स फॉर एमेन होटेप फर्स्ट, नेरी कारे और रामजेस सेकेंड, और टूटन खैमन. या इलोप हुई, 2 टाइम भागकर शादी की थी बंदे ने, यस, हैरियट और मैरी के साथ. अरे दीपाली पूरा पूरा करने में थोड़ा सा उसमें वो शब्द है ना, आप समझ गई होंगी, इसीलिए पूरा नहीं किया मैंने. हाँ, सो राइट वन आंसर, ओजी मैंडिस इज द ग्रीक नेम फॉर विच इजिप्शियन फारो. किसके लिए है ओजी मैंडिस?
देखिए वैसे आप जानते हैं कि ओजी मैंडिस ये किसके लिए है, आप जान चुके होंगे, इट्स फॉर रामजेज सेकेंड। सारे बच्चों ने गलत कर डाला है, किसी ने ए ए ए, मतलब ये भेड़ चाल वाली बात हुई, मैंने बताया नहीं था, भेड़ चाल वही होती है कि एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ दौड़ती चली जाती है, अगर दूसरी गड्ढे में, पहली गड्ढे में गई तो दूसरी जाने वाली है ना। ऐसा गैब्रियल ओक के साथ हुआ था, कौन से वाले वर्क में, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, टॉमस हार्डी वाला। राइट आंसर है रैमसेस। एक्चुअली गाइस जो ओजी मैंडियस है ना, ये एक सोनेट है जिसको शैली ने कंपोज किया था और 1818 के टाइम पीरियड में ये द एग्जामिनर इशू में पब्लिश हुई थी। हो गया गलत, गई भैंस पानी में और सभी लोग खा गए गच्चा। खैर गच्चा खाना अच्छी बात है, लेकिन कच्चा नहीं खाइएगा आप। ग्रेट, यस यस, ही रोट द पोयम इन कंपटीशन विद हिज फ्रेंड जिनका नाम था यस हॉरेस स्मिथ, और हॉरेस स्मिथ ने भी सेम टाइटल की पोयम लिखी थी। हॉरेस स्मिथ ने भी सेम टाइटल की पोयम लिखी थी। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन लव इल डेम्सन्स मर्सी व्हाट डज द ब्यूटीफुल वुमेन डू टू द नाइट। अरे वाह क्या बात है सर, हमें नहीं आता था ये। कोई बात नहीं प्रियंका, अगर नहीं आता बेटा तो लर्न करने के लिए आप आए हो। जब कोई चीज हमें नहीं आती तो हम लर्न करते, लेकिन कभी भागते नहीं, ये बात याद रखिएगा। मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को कि सीधे वो दौड़ लगा देते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, अरे 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 ये क्वेश्चन मेरे बस का नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है ना। बच्चे कान के कच्चे, अच्छा रोज खाते कच्चे। लव एल डेम्पशन्स मर्सी व्हाट डज द ब्यूटीफुल वुमेन डू टू द नाइट, इनस्लेव्स हिम, फॉल इन लव विद हिम, मर्डर्स हिम, सिंग्स हिम टू स्लीप। राइट आंसर, अरे वाह क्या बात है, ग्रेट आंसर बडीज, सिंग्स हिम टू स्लीप गाइस, है ना, उसके लिए गाना गाती है, सुला देती है उसको, है ना। यस बाय द वे, जिन लोगों ने ये आंसर सेलेक्ट किया ना, फॉल इन लव विद हिम, वो वैसे उसको प्यार नहीं होता, जस्ट वो कहती है आई लव दी ट्रू, है ना, वो बस ये कहती है कि आई लव दी ट्रू बस। लेकिन उसके कहने से और करने से बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ये कहेंगे ना फॉल इन लव विद हिम, सी मतलब उसने बड़ी अजीब सी निगाहों से देखा और ऐसी आवाज में कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, बट एक्चुअली में उसने प्यार नहीं किया था, ये था बड़ा वाला धोखा, प्यार वाला धोखा, है ना। सो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, राइट आंसर है सिंग सिम टू स्लीप, गा करके उसे सुला देती, बेटा सो जा उसके बाद मैं तुझे बताऊंगी। सो जाओ उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम हो कहां और कौन हो। ग्रेट ना, लेडी विदाउट मौसी, वॉट करियर डिड कीट्स गिव अप टू बिकम अ पोएट। वैसे ये आंसर बड़ा बड़ा इजी है ना, फार्मिंग, लॉ, मेडिसिन और टीचिंग। ओह यस जय सिंह कुमार, बिल्कुल आप सही हैं, जितने बच्चों ने सही किया है। हाँ पागल बना रही थी अर्जुन, वैसे आपको काफी अच्छा, यू हैव ग्रेट एक्सपीरियंस, दैट्स वाई आप समझ गए कि वो पागल बना रही थी। मुझे तो नहीं पता चला भाई पागल बना रही थी या क्या था, बट अर्जुन के पास काफी अच्छा अनुभव है भाई। ओके राइट वन आंसर गाइस, देखिए राइट वन आंसर इसके लिए मेडिसिन, मेडिसिन वाला करियर, अपोथिकरी बाय द वे इसे बोला जाता है, मेडिसिन अपोथिकरी, सपैथिकरी का जो करियर है वो कीट्स ने छोड़ा था, एंड देन ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ पोएट, और ही बिकम अ पोएट, तब बाद में अपोथिकरी के कैरियर को छोड़ करके ये एक पोएट बन गए थे। दैट्स रियली ग्रेट, और हमें आंसर भी मिल गया है, बिल्कुल। शैली रोट ओजी मैंडियस इन कंपटीशन विद हिज फ्रेंड। अभी दो क्वेश्चन पहले ही हम लोगों ने ये बातचीत कर ली थी कि शैली ने ओजी मैंडियस लिखा था, लेकिन किसके कंपटीशन में, तो अभी किसी ने आंसर भी किया था कमेंट बॉक्स में, अब देखते हैं कि कितने लोगों ने उसी चीज को याद रखा है। ओजी मैंडियस वही वाली सॉनेट जो रामजेत सेकेंड के लिए लिखा था, अच्छी सॉनेट है बाय द वे ओजी मैंडियस, कभी पढ़िएगा। और यूजी सीनेट एग्जाम आई थिंक लास्ट टाइम था या सेकेंड लास्ट, मतलब उससे पहले एग्जाम में आई थी। आंसर करो भाई, क्या बात है, आप बड़े शांत नजर आ रहे हैं। सर प्लीज सी यू सेट के बेसिस क्वेश्चन लाओ ना प्लीज। असम बाय द वे आई वॉच योर वीडियोज,
मिलन पेगू वॉच करते रहो, देन यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दीज क्वेश्चन, है ना। सीयू सेट का कोई अलग से नहीं होता बेटा। या राइट वन आंसर इज हॉरेस स्मिथ, बिल्कुल गाइस, हॉरेस स्मिथ के साथ कंपटीशन था। देखिए ओजी मैंडिस एक वर्क है जो कंपटीशन में लिखा गया था, मैरी शैली ने फ्रैंकनस्टेन दी, है ना, फ्रैंकनस्टेन भी कंपटीशन में ही लिखा था। तो कुछ कुछ वर्क इन्होंने कंपटीशन में लिख डाले और इनका कंपटीशन बन गया हमारे लिए जी का जंजा। जो इनका कंपटीशन था वो हमारे लिए बन गया जी का जंजा। जैसे मैंने एक, अगर याद हो आपको तो, एक मैंने वीडियो अपलोड किया था, काफी पहले की बात है, तो एक लड़का था कि अगर पढ़ते पढ़ते ज्यादा मोटे हो जाओ और सक्सेस ना हो तो लोग कहते हैं खा खा करके पड़ा रहता है, भैंस हो गया है, कहां से सक्सेस होगा। किसी लड़की के साथ घूमते नजर आओ तो फिर क्या कहते हैं, अरे यार वहां पढ़ाई हो रही थी कि वहां पर सिर्फ लड़कीबाजी हो रही थी, घूम घूम करके यही कर रहे थे, है ना। तो वो वही वाली ना, बड़ा दुख है भाई जिंदगी में, जिंदगी का दुख नहीं जाएगा। इनका कंपटीशन था और इन्होंने हमारे कंपटीशन की वाट लगा दी। इनके कंपटीशन के चक्कर में अपना कंपटीशन खराब होता जा रहा है। इन द पोएम द स्कॉर्पियन नाइट बाई निसी मिजिकल द मदर वॉज स्टंग ऑन द एंकल फुट टो और काफ। प्लीज आंसर कीजिए जल्दी से। गुड इवनिंग सर, यू आर ग्रेट टीचर। चलिए आप पढ़ते रहिए, थोड़ा इंटरटेन के साथ पढ़िएगा मेरे साथ, क्योंकि मैं टाइम थोड़ा ज्यादा ले लेता हूँ, इंटरटेन हो जाता है। ओह वाव क्या बात। तो राइट वन आंसर प्लीज, यस हरी अप करके आंसर कीजिए बिना किसी एड ब्रेक के। देखिए राइट आंसर है गाइस टू, टू इज द राइट आंसर। जो स्कॉर्पियन था ना, यानी जो बिच्छू था, उसने कहां पर मारा था, टो में मारा था। एक बात आपको मैं बता दूं कि अगर आप पीजीटी एस्पिरेंट हैं, पीजीटी, तो आप एक काम कीजिएगा कि इस पोयम को 3 बार पढ़ लीजिए। और मैंने पोयम स्कॉर्पियन नाइट, स्कॉर्पियन नाइट पोयम मैंने यूट्यूब में पढ़ाई थी, सो आप एक काम कीजिएगा, सर्च कीजिएगा स्कॉर्पियन नाइट बाई ए के एस राजवीर, ठीक है, स्कॉर्पियन नाइट बाई ए के एस राजवीर, आपको बहुत अच्छा पढ़ने का मौका मिलेगा वो वाली पोयम। सो द मदर वॉज स्टंग ऑन दी टो, गाइस कहां पर मारा था, टो पर मारा था, याद रखिएगा। हाँ मुझसे एक बार जरूर पढ़िएगा, मैं चाहता हूं यूट्यूब में मैंने पढ़ाया था। इन द पोएम द स्कॉर्पियन नाइट बाई निसीम इजिकिल द पीजेंट्स बज्ड द नेम ऑफ गॉड टू कैच द स्कॉर्पियन, टू ड्राइव अवे द स्कॉर्पियन, टू किल द स्कॉर्पियन, टू पैरालाइज द स्कॉर्पियन। बहुत ही जबरदस्त पोएम है। गुरु जी कितने रुपए बांट दिए आप रक्षाबंधन में। बेटा मैं रक्षाबंधन में घर नहीं जा पाया, बाय द वे मैं प्रयागराज में हूं और घर में नहीं हूं। मेरी सिस्टर्स वेट की होंगी, और थोड़ी कुछ समय परिस्थितियां, कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से नहीं जा पाया। वैसे रक्षाबंधन में जाने का तो बहुत मन था कि चला जाऊं घर, लेकिन पैसा बांटने का छोड़िए, यहाँ पर बहनें इंतजार कर रही होंगी, वही मैंने बताया आपको, और मैं जा भी नहीं पाया। हाँ लेकिन एक राखी जरूर बांध ली है अपने हाथ में, और अभी मैं आपको प्रयागराज से पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने घर में नहीं हूँ। और जो आपने वीडियो देखा था ना, वो मशीन चलाते हुए काटने वाली, तो वो मशीन पुराना वाला, मतलब वीडियो वो पुराना वाला था जो मैंने डाल दिया था। कई बार कुछ परिस्थितियां होती है, नहीं जा पाते हम लोग, तो टीचर की जिंदगी और ऑनलाइन टीचर होना शायद आसान नहीं होता इतना। खैर ठीक है आगे चलते हैं। राइट आंसर है इसके लिए पैरालाइज द स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन को पैरालाइज करने के लिए। वो तमाम सारे होता है ना कि उसका मतलब, यू नो, गांव में जब किसी को बिच्छू मार दे तो फिर सुनिए गालियां कितनी सारी आती हैं, कितनी सारी गालियां देते हैं, बहुत बुरा हो उसका, ये हो जाए, लंगड़ा हो जाए, लूला हो जाए। सो यू नो पैरालाइज करने के लिए, कि उसका बुरा हो, उसने मार दिया इसको, है ना, हार्म कर दिया। दैट इज नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखिए इन विच लैंग्वेज हैज कमला दास रिटन स्टोरीज एंड नॉवल, इन विच लैंग्वेजेस हैज कमला दास रिटन स्टोरीज एंड नॉवल, इंग्लिश एंड तमिल, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, इंग्लिश एंड मलयालम। राइट आंसर कीजिए हरी अप करके फटाफट से। सो राइट वन आंसर प्लीज हरी अप।
या राइट वन आंसर, यस डी इज द राइट आंसर, इंग्लिश एंड मलयालम लैंग्वेज दो लैंग्वेजेस में गए जिन्होंने स्टोरीज और नॉवेल्स को लिखा था, इंग्लिश एंड मलयालम लैंग्वेज। हाय वैभव श्रीवास्तव, वेलकम, मैंने सबका नाम ले लिया बेटा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोयम बाई कमला दास, ऐसी कौन सी पोयम है जो कमला दास की नहीं है? द फ्रेक्स, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जेजुरी, अ हॉट नून इन मालाबार, कौन सी पोयम इनमें से नहीं है जो मतलब कमला दास ने जिसको ना लिखा है ना, ऐसी कौन सी पोयम है जिसको कमला दास ने नहीं लिखा? द फ्रेक्स, द ग्रैंड मदर्स हाउस, जेजुरी, अ हॉट नून इन मालाबार। यस बिल्कुल निधि शर्मा, सी नोज थ्री, सी कैन स्पीक थ्री लैंग्वेजेस एंड राइट इन टू, बट राइट इन टू, राइटिंग के लिए इन्होंने कहा था कि मैं दो लैंग्वेजेस में राइट करती हूं, दैट इज। या जेजुरी इज द राइट वन आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है जेजुरी, क्योंकि जेजुरी गाइस एक पोइटिक कलेक्शन जिसमें 31 पोइटिक पोएम्स हैं, और ये लिखा है अरुण कोलाटकर ने, यूजीसी नेट में आपके आया था एक बार ये क्वेश्चन, यूजीसी नेट वाले एग्जाम में, अरुण कोलाटकर, जेजुरी अरुण कोलाटकर, ठीक है, राइट आंसर मिल गया, बिल्कुल जेजुरी। बाकी अ हॉट नून इन मालाबार, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, द फ्रेक्स, ये सारी पोयम कमला दास के साथ एसोसिएटेड है। विच ऑफ डिकेंसिस नॉवल ओपन विद द वर्ड इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ओलिवर ट्विस्ट, पिकविक पेपर्स एंड हार्ड टाइम्स, कौन सा है? यस राइट आंसर कीजिए हरी अप करके प्लीज, ऑल ऑफ यू हरी अप, बिल्कुल। सो देखिए इसका राइट आंसर है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते होंगे, और बाय द वे बिल्कुल सामरीन आपने सही लिखा, ड्रीम इन वन। सो देखिए राइट आंसर है इसके लिए, मैंने देखिए जितने राइटर, निधि ने कहा कि आपने कमला दास अच्छे से पढ़ाया है, पीजीटी का जो हमारा रिकॉर्डेड वाला बैच है ना, पीजीटी वाला, तो जिस भी राइटर को मैंने कवर किया बहुत अच्छे से कवर किया, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगर आपने पढ़ लिया, दो से तीन बार अगर आप पढ़ लोगे ना, कोई आपको पीजीटी क्वालिफाई करने से रोक नहीं सकता। मैंने 17 राइटर, हिस्ट्री, टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच है ना, फॉर्म्स, साथ में आपके मीटर, राइम, रिदम, सारा सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट किया है। और अगर आप एक अच्छे पढ़ने वाले हैं, पूरा वीडियोस पूरे रिकॉर्डेड वाले हैं पीजीटी के, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, पेड स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, सो डेफिनेटली आप समझ लीजिए कि बहुत कुछ आपको लर्न करने को मिल जाएगा और आप क्रैक भी कर जाओगे। इसी तरह टीजीटी वाला है, टीजीटी भी मैंने पूरे दिल से पढ़ाया है, समझिए मैं जो भी पढ़ाता हूँ दिल से पढ़ाता हूँ, अभी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप वाला बैच स्टार्ट किया, उसमें भी दिल से ही पढ़ाऊंगा। अ टेल ऑफ टू सिटीज, और यहां पर इट वॉज, और इट वॉज ये पता है किसको इंडिकेट करता है? एक फिगर ऑफ स्पीच को इंडिकेट करता है ना, जब कोई है ना, यस, सो ओपन्स विद द वर्ड इट वॉज, इट वॉज, सो इट वॉज वाला है ना जो पार्ट, इट वॉज, सो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एनाफोरा शायद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ANAPHORA, एनाफोरा, एनाफोरा ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं शायद, अगर गलत नहीं हूं मैं तो शायद एनाफोरा ही है, और अगर गलत हूं तो भाई बता दीजिएगा, जल्दी से आंसर कर लीजिएगा कि ये सही वाली बात कही ना मैंने। द टर्म फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री इज एसोसिएटेड विथ, है ना, द फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री इज एसोसिएटेड विथ, द टर्म फ्लैशली स्कूल, तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है? चार्टिस्ट के साथ, रैफलाइट्स के साथ, सिंबलिस्ट के साथ, या फिर इमेजिस्ट के साथ? गुरु जी अंजलि, इसमें बेटा पीजीटी टीजी आदर्श, आदर्श इसमें मतलब टीजीटी पीजीटी सारे एग्जाम्स के मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसमें पर्टिकुलरली आपका टीजीटी नहीं है, जैसे कुछ विलियम शेक्सपियर होगा, कुछ वर्ड्सवर्थ होगा, कुछ हिस्ट्री से होंगे, कुछ टर्म्स से होंगे, मतलब वेरियस टाइप के क्वेश्चंस हैं, है ना, तो अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो ठीक है, और अगर मतलब सिर्फ टीजीटी पढ़ना चाह रहे हो तो सिर्फ टीजीटी नहीं है ये प्रैक्टिस।
विनीता नेट वाले जो मैं पढ़ा रहा हूं नेट के लिए, तो ये 100% ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एनवीएस केवीएस किसी भी एग्जाम में आ सकता है, मतलब इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं। गॉट इट? क्यों? क्योंकि देखिए गाइस, ये प्री रेफलाइट पोएट्स के साथ एसोसिएटेड है। ये ग्रुप 1848 में फॉर्म हुआ था। टीजी रोसिटी, जैसे दांते गैब्रियल रोसिटी है ना, और क्रिस्टीना रोसिटी, एसी स्वीनबर्न, ये कुछ फिगर्स थे इसके साथ एसोसिएटेड। गॉट इट? इसके काफी सारे ये फिगर्स थे जो एसोसिएटेड थे। द जर्म नाम का एक पीरियोडिकल था जो इसके साथ एसोसिएटेड था। एंड डीजी रोस्टी ने बहुत अच्छी एक पोयम लिखा था, बहुत ही जबरदस्त पोयम थी डीजी रोस्टी की, जिसे बोलते हैं ना ब्लेस्ड डेमोजेल। और ये जो फ्लैशी स्कूल ऑफ पोएट, ये जो वर्ड यूज किया था, ये बचनन ने किया था, रॉबर्ट बचनन नाम के एक एक क्रिटिक थे जिन्होंने इस टर्म को यूज किया था, फ्लैशी स्कूल ऑफ पोएट्री। ठीक है, फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्री इस पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर के। और ये रेफलाइट नेम क्यों पड़ा था? क्योंकि राफेल नाम के एक पहले के पेंटर हुआ करते थे, इटालियन पेंटर थे, बड़े फेमस थे गाइस, तो ये उन्हीं के साथ एसोसिएटेड है रेफलाइट्स, क्योंकि ये लोग पोइट्री में पेंटिंग्स भी बनाते थे, तो ये इनका बड़ा प्रोमिनेंट उद्देश्य। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर ऑकर्स इन ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ओड टू ऑटम, ओड टू शाइकी और एंडीमियन। प्लीज बेटा लास्ट में बात कर लीजिएगा, मैं अभी थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। क्यों, पढ़ने पर ध्यान नहीं लग रहा क्या? थोड़ा सा अभी पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, देन आई विश कि लास्ट में हम लोग ना बातचीत कर लेंगे। ठीक, झारखंड पीजीटी स्टार्ट हो जाएगा जैन नेहा बेटा, प्लीज जल्दी स्टार्ट होने वाला है, परेशान ना होइए, बस अभी तो प्रैक्टिस करो ना, ये झारखंड के लिए भी जरूरी है भाई। देखिए, इसके लिए राइट आंसर है इंडीमियन। इंडीमियन वो पोयम थी जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, इंडीमियन 1817 में आई थी, लेकिन थोड़ा सा मतलब सक्सेसफुल नहीं थी, नॉट सक्सेसफुल वन। और अगर बात किया जाए कि कीट्स की, तो कीट्स इस वाली पोयम के पब्लिकेशन से बड़े निराश थे, लेकिन कोई बात नहीं है, 1819 उनके लिए बहुत ही मैजिकल ईयर, एनएस मिराबिलीज था उनके लिए, मैजिकल ईयर था और बहुत ही सक्सेसफुल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज देयर द रोल ऑफ अ घोस्ट? ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ और किंग लियर। कौन सी वो ट्रेजेडी है जहां पर आपको घोस्ट का रोल देखने को मिलता है? आंसर कीजिए ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर। यस, श्योर श्योर। देखिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कितनी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन लिखते हैं, प्लीज उसे ध्यान किया करिए। ठीक है, देखिए राइट आंसर है आपके लिए बाय द वे हैमलेट। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि सर हैमलेट क्यों आंसर होगा, है ना, आप आंसर तो अगर हम बात करें घोस्ट्स की तो हमें तो मैकबेथ में भी नजर आते हैं, तो यहाँ पर विच नजर आती है ना, चुड़ैले नजर आती है, यहाँ पर विचेस नजर आएंगी आपको। हैमलेट में घोस्ट का रोल है, द रोल ऑफ घोस्ट, रोल का मतलब एक रोल प्ले करने वाला है, एक कैरेक्टर जो घोस्ट का रोल प्ले करता है। समझ गए होंगे आप? बिल्कुल सर, घोस्ट तो मैकबेथ हैमलेट दोनों में था। देखिए सोनिका मिश्रा ने कहा यहां पर घोस्ट नहीं है मैकबेथ, और मैकबेथ में जो घोस्ट की बात करते हैं ना तो वो अपियरेंस नजर आता, यहां पर रोल की बात हो रही है, रोल समझ रहे हैं, रोल का मतलब है कि वो रोल करेगा, बोलेगा, समझ रहे हैं, बोलेगा। और ये जो मैकबेथ वाली बात आप कर रहे हैं ना, तो यहां पर जो घोस्ट दिखता है वो बैंको वाला, वो कभी बोलता नहीं, उसका कोई रोल नहीं है, इट्स जस्ट हैलुसिनेशन क्रिएट किया गया था, एक भ्रम था, समझ गए, भ्रम, भ्रम क्रिएट किया गया था, लेकिन यहां पर रोल था घोस्ट का, रोल का मतलब है कि वो स्टेज रोल, मेरी बात समझ रहे होंगे, स्टेज रोल, स्टेज रोल था, इवन वो बोलता भी है, बोलता है ना, जब वो हैमलेट उसका पीछा करता है तब वो बोलता है, तो मेरी बात थोड़ा समझिए, द रोल ऑफ अ घोस्ट। और यहां पर मैकबेथ में सिर्फ मैकबेथ को दिखता है, वो हेलुसिनेशन है, वो कहता कि यहां पर कोई बैठा हुआ है ना, वो बैंको है शायद, आप समझ गए होंगे मेरी बात। ठीक, हु रोट द फॉलोइंग
क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम. ये वाला आपको याद रखना है. बिल्कुल शिव शक्ति, मे गॉड ब्लेस यू विद जेआरएफ एंड नॉट ओनली विद जेआरएफ, आप एक दिन असिस्टेंट प्रोफेसर बने. अनुपम गुप्ता का कहना है, सर आप लिटरेचर का कंटेंट कहां से लाते हैं? अनुपम, मैं दिन भर मेरा जब काम ही है लिटरेचर पढ़ना, तो कहीं यहां पढ़ा कहीं वहां पढ़ा, पता नहीं कितनी कितनी जगहों से पढ़ते रहते हैं अनुपम. कोई मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये बुक वाली से पढ़ा, जहां से भी जो चीज मिलती रही वो पढ़ते रहते. मतलब मेरा कभी तो फिक्स नहीं रहा कि यही वाली बुक पढ़ेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, है ना, ऐसा कभी नहीं रहता. तो आप ये मानिए कि बस चलता रहता अपनी जिंदगी में. हाँ देखिए, ये राइट आंसर है बैकन, और इस लाइन का मतलब आपको समझना बहुत जरूरी. देखिए, जो क्राफ्टी मैन होते हैं वो कंडेम करते हैं स्टडीज को, जो सिंपल मैन होते हैं वो एडमायर करते हैं, भाई पढ़े लिखे हैं लोग, है ना, एंड वाइज मैन यूज देम. और जो एक समझदार इंसान होता है तो अपनी पढ़ाई का वो यूज करता है. Got it. और जो कलाकार होते हैं, कहते हैं अरे यार कलाकारी मतलब यू नो कि कला में एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है. कला में पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन पढ़ने से कहीं ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है, है ना. सो ऑफ स्टडीज बैकन, और बैकन के इस एसे को जरूर पढ़िए. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको स्टिल पढ़ना चाहिए. और बैकन का स्टाइल जो है एफोरिस्टिक स्टाइल होता है, ठीक है, एफोरिस्टिक स्टाइल जिसे बोलते हैं. मीनिंग जो लाइंस होंगी या जो फ्रेजेस होंगे वो पैक्ड विद मीनिंग आपको मिलेंगे. और इसे एपिग्रामेटिक स्टाइल भी बोला जाता है, एपिग्रामेटिक स्टाइल. इन द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड ट्रूफॉन बाई टी एस एलियट, देयर इज अ सिंगल स्पीकर, मल्टीपल स्पीकर, डायलॉग्स बिटवीन ट्रूफॉन एंड हिज फ्रेंड, नन ऑफ दीज. आप में से सभी बच्चे वाइज हैं, मैं ही केवल वाइज नहीं हूं, सब लोग वाइज हो, आप बहुत समझदार हो और बहुत अच्छा नॉलेज है आप में. मैंने YouTube पर भी पढ़ाया था ऑफ स्टडीज को, पब्लिक प्लेटफॉर्म में. सो प्लीज आंसर कीजिए. हाँ, आपका देखिए बहुत सारे ए, किसी ने ए किया है, किसी ने सी किया है, ग्रेट. हाँ देखिए, चलिए मैं आपको बता देता हूं. बाय द वे, जो आंसर है इसका वो सिंगल स्पीकर है ना, ए इज द राइट आंसर. लेकिन कुछ लोगों ने सी ऑप्शन किया है, डायलॉग बिटवीन प्रोफॉक एंड हिज फ्रेंड. बाय द वे, आई वुड लाइक टू टेल यू कि पूरी पोयम पढ़ लीजिए, उसके प्रोफॉक और फ्रेंड कोई नहीं नजर आता, अकेले वो बंदा इमेजिनेशन करते हुए नजर आए, ठीक है, अकेले ही बोलता, लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई, है ना. तो अकेले ही था और कोई नहीं था, सिंगल स्पीकर इज देयर, प्रूफॉक इज देयर ओनली, समझ रहे हैं. यस, प्रूफॉक इज देयर ओनली एंड नो वन इज देयर. वो सारा कुछ इमेजिन करता है कि वो आएगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा. यस करेक्ट राहुल, इंटीरियर मोनोलॉग है, अ सिंगल स्पीकर इज ओनली देयर. स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस टेक्निक, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा विशु, सिंगल स्पीकर इज देयर, ठीक है. और राखी ने तो सिंगल स्पीकर बना के स्पीकर भी बना दी. सो फनी. सो ठीक है, ये राइट आंसर आपको मिल गया होगा. और प्रूफॉक जो पोएम है, इसको बताते हैं कि 1915 के टाइम पीरियड में इन्होंने कंपोज किया था. बाद में 1917 में प्रूफॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन नाम के कलेक्शन में पब्लिश हुई थी ये पोएम. और ये पोयम बहुत ही अच्छी पोयम है. यहां पर आपको प्रूफॉक की डुअल पर्सनालिटी भी नजर आती है. निधि शर्मा, गाइड सर की पेड क्लास ज्वाइन कीजिए, लगेगा कि बहुत कुछ सीख लिया. निधि शर्मा, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया होगा और बहुत सारे बच्चों ने अभी नहीं ज्वाइन किया होगा, कहीं और भी ज्वाइन किया होगा. पढ़ो, देखो बेटा कहीं से भी पढ़ो, पढ़ना जरूरी है, जीवन अपना सफल बनाना जरूरी है. Wondering between two words, one did the other powerless to be born. With nowhere yet to rest my head, the lines appeared in. Grand Chatius, Empedocles on Etna, है ना? And Scholar Gypsy or Dobovich. किस poem की ये lines है? Wondering between two words, one did and other powerless to be born.
साहब की नेट वालों को टीच करते हैं? या श्योर, मैं तो सारे एग्जाम्स को लगभग टीच करता हूँ, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड एंड यूपीएचईएससी। हाँ, राइट वन आंसर डी किसी ने किया, किसी ने बी, किसी ने ए। द राइट वन आंसर इज ग्रैंड चार्ट्यूज गाइस, है ना, ग्रैंड चार्ट्यूज। दिस इज द पोयम जहां पर मैथ्यू अर्नोल ने क्या कहा है, वंडरिंग बिटवीन टू वर्ड्स, यानी कि दो संसारों में भटकता हुआ इंसान। वन डेड, एक तो खत्म हो चुका है, एंड अनदर वन जो इतना पावरलेस है कि उसको पैदा नहीं हो पाया, है ना, पावरलेस बी बोन। सो बस समझ रहे हैं, नो वेयर येट टू रेस्ट माई हेड, द लाइन्स अपियर्ड इन ग्रैंड चार्ट्यूज में गई, ये लाइन्स आपको नजर आती है। बाय द वे, ये जो पोयम है ये एम्पेडोक्लीज ऑन एटना, तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने इस पोयम को लेकर के, मतलब बहुत ही डिप्रेसिंग वाली पोयम है, जहां पर एम्पेडोक्लीज नाम का एक फिलोसफर रहता है, वो एटना नाम के एक क्रेटर में जंप कर जाता है, ज्वालामुखी में कूद जाता है, ज्वालामुखी क्रेटर मतलब होता है उसका मुंह, उसी में जंप कर जाता है। स्कॉलर जिप्सी, ये एक ऑक्सफोर्ड स्कॉलर के लिए, एक ऑक्सफोर्ड का स्कॉलर था और वो जिप्सीज की आर्ट सीखना चाहता था, उनकी मैजिक आर्ट सीखना चाहता था, तो वो उनके साथ चला जाता है, ये वाली वो पोयम है गाइस, ठीक है। और समझ लीजिए कि एक बात और भी बहुत अच्छी आती है मैथ्यू अर्नोल्ड की, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा कि देखिए टारगेट आपका हमेशा वन होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम लोग पागल रहते हैं ना, कई बार हमारे कई सारे टारगेट हो जाते हैं, ये भी टारगेट है, वो भी टारगेट है, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, बट आई थिंक टारगेट जो होना चाहिए ना, वो आपका एक टारगेट होना चाहिए, ऐसा, है ना। यस, स्कॉलर जिप्सी, डॉवर बीच, डॉवर बीच वो पोयम है जहां पर आपको पता होगा कि यू नो हनीमून पर जाते हैं अपनी वाइफ के साथ और उसे बोर कर देते हैं, गॉट इट, यस, समझ गए। डॉवर बीच जो है पोयम है जिसमें हनीमून पर जाते हैं अपनी वाइफ को लेकर के, और बाकी तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होता है, आगे उनको दुनिया का ज्ञान देते हुए वहां पर नजर आते हैं। The world which seems to lie before us like a land of dreams. These lines appeared in Grand Chartreuse, Empedocles on Etna, Scholar Gypsy, and Dogo Beach. किस वाली पोएम में नजर आती है? देखिए जिन बच्चों को रिगार्डिंग कोई क्वेरी करनी हो कोर्स के रिगार्डिंग, तो 9125090515 बेटा ये नंबर है ना, इस नंबर पर अपना नाम और कोर्स का नाम मैसेज कर दीजिएगा, आपको जानकारी भेज दी जाएगी, ठीक है। हनीमून पर भी भैया गजब करते हैं, बिल्कुल, हाँ, आह लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनादर, हाँ बिल्कुल, वो इसी लाइन में, इसी पोएम में नजर आती है। द वर्ड विच सीम्स, तो देखिए इसका बिल्कुल आंसर जो है वो डॉवर बीच है, डॉवर बीच इज द राइट आंसर। ये कहते हैं द वर्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस, ये दुनिया जो हमारे सामने नजर आ रही है, मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, ये क्या है, सपनों का संसार है या सपनों की दुनिया है। फिर बाद में कहते हैं लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनादर, मेरे लव, मेरे प्रेम, चलो हम एक दूसरे के लिए क्या हो जाते हैं, ट्रू हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहां पर है, अर्नोल्ड डाइड सडनली इन 1888 ऑफ पैरालिसिस, हार्ट फेलर, किडनी फेलर, ब्रेन फेलर, किसकी वजह से इनकी डेथ हुई थी, मैथ्यू अर्नोल्ड की। अर्नोल्ड डाइड सडनली इन 1888 ऑफ पैरालिसिस, हार्ट फेलर, किडनी फेलर और ब्रेन फेलर। बिल्कुल निधि शर्मा ज्ञान दे रहे हैं विंडो पर खड़ी करके अपनी वाइफ को, और आजकल की कोई मॉडर्न वाइफ होती तो बोलती तुम अपनी फिलॉसफी बंद करो, मैं चली, तुम मुझे हनीमून में लेकर आए हो या मुझे बोर करने के लिए, है ना। राइट आंसर जल्दी से, मैथ्यू अर्नोल्ड डाइड, देखिए राइट वन आंसर है हार्ट फेलर की वजह से गाइस इनकी डेथ हुई थी, है ना, 1888 ही डाइड, और 1888 में किसी का बर्थ भी हुआ था, बड़ा खतरनाक आदमी था जिसका बर्थ हुआ था, है ना। यस, स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए गए थे और वहीं पर हार्ट फेलर की वजह से मैथ्यू अर्नोल्ड की डेथ हो जाती है। और आपको ये बात भी पता होना चाहिए 1888 समवन वाज बोर्न, कौन था वो, कौन था, यस बी राइट आंसर है, लेकिन किसका बर्थ हुआ था बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
Which among the following poem was published in 1867? कौन सी पोएम थी जो 1867 में पब्लिश हुई थी? सोहराब एंड रुस्तम, द स्कॉलर जिप्सी, मेमोरियल वर्सेस एंड रग्बी चैपल। आंसर कर डालो भाई फटाफट। टी एस एलियट भैया का बर्थ हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बर्थ ऑफ टी एस एलियट। Which among the following poem was published in 1867? आंसर कीजिए जल्दी से। जल्दी जल्दी आपके आंसर मुझे देखने में बड़ा आनंद आता है, समझ लीजिए। आपके आंसर्स देख करके आत्मा प्रसन्न होने लगती है कि अरे वाह क्या बात। राइट आंसर है रग्बी चैपल, है ना? यस, रग्बी चैपल इज द राइट आंसर। देखिए सोहराब एंड रुस्तम 1853, स्कॉलर जिप्सी 1853, है ना? देन मेमोरियल वर्सेस 1850, है ना? वर्ड्सवर्थ के लिए लिखा था, पता ही होगा। रग्बी चैपल इन्होंने लिखा था किसके लिए? फादर के लिए लिखा था, फादर थॉमस अर्नोल्ड के लिए लिखा था, ठीक है? थॉमस अर्नोल्ड के लिए रग्बी चैपल, और ये 1867 में आई थी, याद रख लीजिएगा। 1853 सोहराब एंड रुस्तम, स्कॉलर जिप्सी 1853, मेमोरियल वर्सेस 1850 एंड 1867 रग्बी चैपल। यस, एलिजी रिटन ऑन डेथ ऑफ हिज फादर थॉमस अर्नोल्ड। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ दीज हाउसहोल्ड आइटम्स इज नॉट मेंशन इन एलियट्स द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफॉक। विच ऑफ दीज हाउसहोल्ड आइटम्स इज नॉट मेंशन इन एलियट्स द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफॉक। टी कप्स, पिलोज, लैम्प शेड्स, कॉफी स्पून्स। राइट आंसर कीजिए। यस, क्या नजर नहीं आता आपको लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोकॉप में कौन सा आइटम है जो नजर नहीं आता? अरे वाह क्या बात है, ए बी सी डी, ओके ग्रेट। खैर बहुत सारे स्टूडेंट सही भी करेंगे, बहुत सारे गलत करेंगे। देखिए इसका जो राइट वाला आंसर है वो है लैंप सेट्स। लैम्प शेड्स आपको यहां पर कहीं नहीं नजर आता, ठीक है? या विच ऑफ दीज हाउस होल्ड आइटम्स इज नॉट मेंशन्ड इन एलियट्स लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफॉक। प्लीज चेक कीजिएगा कि क्या आपको टी कप्स मिलते हैं, क्या आपको पिलोज नजर आते हैं, क्या आपको कॉफी स्पून्स नजर आता है, क्या आपको लैम्प शेड्स नजर आता है। लैम्प शेड्स आपको नजर नहीं आता जहां तक मुझे पता है। बाकी आप एक बार काम कीजिएगा कि ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफॉक ओपन कीजिएगा, ठीक है? यस ठीक है, लैम्प शेड्स इज द राइट आंसर। क्या बात है क्या बात। ये यहां पर ये देखना होता है ना, नॉट मेंशन्ड, नॉट मेंशन्ड इन एलियट्स लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफॉक, ठीक है? हाँ एक बार पढ़िएगा लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफॉक। लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल, है ना? यस बिल्कुल, तो वो तो आपको याद ही रहता हमेशा के लिए। तो चलिए बड्डीज, मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही ना। बिल्कुल, एक आपके लिए ऑफर है बडीज, अगर आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं तो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए आज लास्ट डे होगा एक ऑफर का। ऑफर है कि अगर आप 6 मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं सो देन यू विल गेट 1 मंथ एब्सोल्युटली फ्री, 12 मंथ लेंगे तो 3 मंथ आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा, और 24 मंथ लेते हैं तो 6 मंथ आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। ये दोनों सब्सक्रिप्शन के लिए है, प्लस एंड आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको ज्यादा फीचर मिलते हैं, प्लस में लिमिट के, लेकिन आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, कोई भी आपके लिए बुरा नहीं है, दोनों अच्छे हैं। बाय अप्लाइंग कोड AKS राजवीर, है ना? कोड होगा मेरा AKS राजवीर, इस कोड को अप्लाई कीजिए
और इस कोड को अप्लाई करके आप 10% का डिस्काउंट भी आपको नजर आएगा मिलेगा, है ना। एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजी सीनेट, तो मैं जल्दी ही यानी कि शायद कल नहीं परसों से आपके लिए मैं डेली एक टेस्ट लेकर आने वाला हूं यूनिट वाइज। सो अन अकेडमी ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा यूजी सीनेट एस्पिरेंट्स। बाकी टीजीटी पीजीटी वालों के लिए जरूरी नहीं है ये अन अकेडमी वाला ऐप, लेकिन ऑल द यूजी सीनेट एस्पिरेंट्स और दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स जो यूजी सीनेट से मिलता जुलता हो, तो यहां पर आप मुझेगा यूनिट वाइज में टेस्ट आपको करवाऊंगा, ठीक है। yes. थैंक यू शर जी, आप ग्रेट है, आई एम हैप्पी टू बी योर स्टूडेंट। वेलकम निधि शर्मा, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप अच्छा करो, ये तो मेरी उम्मीदें हैं, है ना। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, और आज फिर से मिलेंगे। और हाँ, टीजीटी पीजीटी वालों को अगर ऑफर पता है तो ठीक है, नहीं तो आपके लिए मैं नंबर ड्रॉप कर देता हूँ जल्दी से। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना, देखिए कोर्स ज्वाइन करने से सबसे बड़ी बात रेगुलरिटी, और खास करके आपको पढ़ने का एक अच्छा मौका मिलता है। ये नंबर है 9125090515, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जो भी जिनको भी क्वेरी करना हो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नो नीड टू कॉल, जस्ट आप व्हाट्सएप कर दीजिए, है ना। यूजीसी नेट के टेस्ट फ्री में होंगे, हाँ अंकिता फ्री टेस्ट होंगे, 10 डेज के लिए यूनिट वाइज टेस्ट चलेगा आपका, और मैं ऑर्गेनाइज करूंगा अन अकेडमी द लर्निंग ऐप पर। एक्चुअली क्या है ना कि मैं अन अकेडमी पर यूजीसी नेट पढ़ाता हूँ, मतलब यूजीसी नेट के कोर्सेस अन अकेडमी ऐप पर, बाकी जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और एनवीएस केवीएस यूपीएचईएससी, तो ये कोर्सेस अलग चलते हैं, ये अन अकेडमी से नहीं है। यूजीसी नेट के लिए अन अकेडमी, बाकी के लिए इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको जानकारी भेज देंगे। सर आई एम ऑल्सो ग्रामर टीचर बट हैप्पी टू बी योर स्टूडेंट। ओ वाव निधि शर्मा, दैट्स रियली ग्रेट, आप ग्रामर टीचर हैं। ऑलवेज कीप ऑन ग्रोइंग। और हाँ, लिटरेचर पढ़ना, देखिए वैसे मैं बताऊं आपको कि जिस भी चीज में इंटरेस्ट हो ना, आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, जब अगर इंटरेस्ट ना हो तो फिर मामला हो जाता है गड़बड़। पीजीटी का पेपर, वैसे मैंने आपको बताया ना कि पीजीटी वाला पेपर जो है अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा, अक्टूबर या नवंबर मंथ में हो जाएगा, तो अभी ये आपका अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर 3 से 4 महीने का आपका टाइम है, 3-4 महीने में अच्छे से कर लोगे आप, पढ़ लो, है ना। और बाकी यूजी सीनेट पेपर आपका 20 से 30 में होने वाला है, सितंबर में, 20 से 30 सितंबर को होगा, और 1 महीने का टाइम है आपके पास, एक से थोड़ा सा 1 महीने से ज्यादा है, तो अपना पढ़ लीजिए यूजी सीनेट के लिए। अभी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का नहीं पता है, जिनको भी लेना हो तो मैंने अभी ये नंबर लिखा था ना स्क्रीन में, मैंने बताया तो ये नंबर है आपके लिए 9125090515। इस नंबर पर अपना नाम और कोर्स नेम ये दोनों व्हाट्सएप कर दीजिए, तो फिर आपको जानकारी आ जाएगी। अगर आपको ठीक लगे तो ले लीजिएगा, ना ठीक लगे तो कोई बात नहीं, चले आप। ठीक है, बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट, और फिर से मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत। ठीक है, जय हिंद जय भारत।